नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूँ प्रियंका राय। शारदीय नवरात्र का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का आरंभ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है और 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार घट स्थापना और देवी पूजा प्रातः काल से करने का विधान है। हमारे साथ ज्योतिषी जुड़े हुए हैं जो तमाम सवालों को लेकर जवाब देंगे। कैसे करें पूजा, कौन सी सावधानियां रखें और ऐसी तमाम सवालों के बारे में जानकारी हम मेहमानों से लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं परिचय कराते हुए। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनुभव शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर संचिता लेखी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो भी ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत महिमा चतुर्वेदी जी आप ही से करते हुए, वो उपाय बताइएगा जिससे माँ को खुश किया जा सके, क्योंकि नवरात्र का दिन बड़ा ही खास होता है माँ के भक्तों के लिए। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जो शारदीय नवरात्र हैं ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। इस बार ये 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं और ये 23 अक्टूबर तक रहेंगे। जो हमें विशेष सावधानियां लेनी चाहिए, एक तो एक अच्छे मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त में हमें माँ की अपना कलश स्थापना करनी चाहिए। जो इस साल 15 अक्टूबर को सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा वो 11:44 से लेकर और 12:29 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में यानी अच्छे मुहूर्त में आपको माँ की स्थापना कलश की स्थापना करनी चाहिए। एक और विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है कि घर का सारा वातावरण आपको स्वच्छ रखना है। घर में किसी भी तरीके का कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए। और एक अच्छे मुहूर्त में आप माँ को लेकर आए, इससे आपको माता का आशीर्वाद पूरा प्राप्त होगा। जब हम माँ को विराजमान करें तो हम यह ध्यान रखें कि जो माँ को हमें विराजमान करना है वो हमें घर के ईशान कोण में करना चाहिए, अर्थात नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर होता है वहां हमें माता की स्थापना करनी चाहिए। माता की स्थापना के साथ साथ हमें एक लाल चौकी पर, जो लाल चौकी या आप चौकी ले सकते हैं उस पर लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, वहां आप सबसे पहले गणपति को विराजमान करें और फिर माता को बिठाएं और माता की राइट हैंड साइड में आप कलश की स्थापना करें और जो माँ को बहुत प्रिय है वहां आप एक मिट्टी के बर्तन में जौ की स्थापना करें। कुछ जो विशेष लाभ आप पाना चाहते हैं तो आप अवश्य ही माँ को लौंग फूल पान शहद इन सब चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही माता को अच्छे अच्छे मिष्ठान का भोग लगाएं। माता का जो अति प्रिय फल है अनार, वो आप माता को अवश्य चढ़ाएं। कोशिश करें कि आप पूरे 9 दिन हवन करें। आप कमल गट्टे से घी में आप कंडे के ऊपर लकड़ी, आम की लकड़ी के ऊपर हवन करें। ओम श्रीम श्रिये नमः का जाप करते हुए आप 9 दिन हवन करें और अधिक से अधिक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा माँ के नाम लें। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो माता को जो फल पसंद है, जो मिष्ठान पसंद है, जो भी चीजें पसंद है आप भेंट कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता को खुश करने के लिए। अनुभव शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि घट स्थापना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कैसे स्थापना करें, 9 दिन तक कैसे विशेष पूजा अर्चना की जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रियंका जी, आपको और न्यूज 18 राजस्थान के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री, ये जो माता के 9 स्वरूप हैं ये शक्ति के स्वरूप हैं। तो शक्ति के इन स्वरूपों को सेलिब्रेट करने का ये 9 दिन का जो पर्व है ये बहुत ही शुभ पर्व है और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। इन 9 दिनों में जैसा कि डॉक्टर महिमा जी ने बताया कि सात्विक रहने का बहुत ज्यादा इसमें उपयोगी माना गया कि जो कि जितने ज्यादा आप इस समय पे सात्विक रहेंगे, सिर्फ शारीरिक रूप से आपको सात्विक रहना है, मानसिक रूप से भी आपको सात्विक रहना है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोण में, ईशान कोण में आप चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, गणेश जी की स्थापना करें, माता रानी की स्थापना करें और भी जो भी आपके घर के देवी देवता हैं उनको भी आप विराजित करें और उसके साथ में आप फलों का और फूलों का इनको भोग लगाना ना भूलें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप 9 दिन कंप्लीट 9 दिन आप जोत लें। देखिए,
इस दिन घर में 9 दिन जोत लेने से घर का जो वातावरण होता है वह बहुत शुद्ध होता है और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नकारात्मकता होती है, वह अपने आप ही दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह शक्ति का पर्व है और शक्ति का मतलब है जो कि ब्रह्मांड में जितनी भी निहित शक्ति है, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनमें निहित शक्ति का वास, वही शक्ति का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा आप माता रानी को सकारात्मक रूप से 9 दिनों तक पूजा अर्चना करेंगे और हर दिन की जो भी एक विशेष पूजा होती है, हर दिन की जो देवी का स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप जो मैंने बताया, उसके हिसाब से अगर आप उनको भोग लगाएंगे, उनके हिसाब से आप उनको उनकी अर्चना करेंगे और उसी के हिसाब से अगर आप विशेष मंत्र की अगर सिद्धि करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, यह 9 दिन जो है यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण दिन है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या आप बिजनेस में है, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन आपको माता रानी के ये 9 दिन विशेष रूप से मनाने चाहिए। साल में पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और गुप्त नवरात्र। क्योंकि देखिए, ये जो शारदीय नवरात्र हैं, इनका बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है क्योंकि ये शरद ऋतु में आते हैं। तो मैं ये हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सात्विक रूप से रह करके पूरे 9 दिन माता रानी को मना करके अपनी सभी अभिलाषाओं को वो पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 9 दिन आपको सात्विक रूप से माँ की विशेष पूजा अर्चना करनी है। आपने एक मंत्र भी बताया, अनुभव शर्मा जी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निश्चित तौर पर ये मंत्र सभी जानते होंगे, इसका उच्चारण भी करते होंगे, लेकिन संचिता लेखी जी, कुछ और मंत्र जो कि भक्त पूजा पाठ करने के दौरान इस्तेमाल करे या दिन भर उसका उच्चारण करते रहे। जी जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मेरे साथ जो पंडित जी बैठे हैं इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। मैं बोलूँगी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं 9 दिन। जैसे मैं सबसे पहले शुरू करूँगी, लाल रंग जो है देवी का सबसे ज़्यादा खास होता है, चुनरी जो है वो उनकी खास मानी है, तो वो आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत महत्व होता है। जैसे मन जो है आपका वो साफ होना चाहिए इस समय जो है 9 दिन, आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी मन में गंदे विचार, बुरे विचार किसी के लिए नहीं लाने चाहिए। ये बहुत खास है क्योंकि जब हम पूजा अच्छे मन से करते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है, तो हमें अपना मन भी साफ रखना चाहिए। साथ ही साथ जो है दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो आपको जरूर करना है 9 दिन। जो लोग इसका व्रत कर रहे हैं खास तौर पे उन्हें जो है सुबह शाम जो है ये पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो ब्रह्मचार्य का है ये 9 दिन आपको निभाना है। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि आप जो भी सुख चीजें हम यूज करते हैं, जैसे आप बेड पे नहीं जमीन पे सोए तो इसका फल और अच्छा मिलता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। का धूमधाम से मनाया जन्मदिन, गाय को चांदी का कंदोरा और चांदी की पायल पहनाई, बर्थडे पर 500 लोगों का आमंत्रित कर सुंदरकांड का पाठ कराया। जैसलमेर के गौड़ा वन संरक्षण के लिए वन विभाग को निशुल्क अलॉट की गई 463 रेवेन्यू खसरों की जमीन, जिला कलेक्टर के भेजे गए प्रस्ताव में सम तहसील के 11 गांव के लगती 8377 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को आवंटित की गई। सीमा सुरक्षा बल ने श्रीगंगानगर से लगी भारत पाक सीमा पर बड़ी कार्रवाई कर पाकिस्तानी ड्रोन को फायरिंग कर गिरा दिया, साथ ही 2.2 किलो का हेरोइन का एक पैकेट भी जब्त किया। जब्त हेरोइन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। राजसमंद में पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 9 बाइक्स बरामद हुई। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ा है, अभी भी महाकाल गैंग के बाकी 4। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महिमा चतुर्वेदी जी, आपने भी बताया था कि क्या करें, जो लोग 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं, घर में घट स्थापना करते हैं, वो क्या ना करें, क्योंकि क्या करें वो तो लगभग सभी को पता होता है किस तरीके से माँ को मनाएं, लाल चुनरी उड़ाएं, लेकिन वो गलतियां जो लोग आमतौर पर करते हैं पूजा पाठ के दौरान, उसे लेकर जरा कुछ जानकारी दीजिएगा।
जी जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम शुद्धता से रहें, प्रत्येक दिन हम अच्छे शुद्ध वातावरण में रहें, स्नान करें, माता का जो मंदिर है वहां भी पूरी स्वच्छता का ध्यान रखें। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हमें अपने घर पे लहसुन प्याज या किसी भी तामसिक चीज, एग हो गया, मदिरा हो गया, कोई भी तामसिक चीज, लहसुन प्याज, इनका सेवन नहीं करना है। माता को शुद्ध सात्विक भोजन हमें प्रसाद स्वरूप में अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ ही घर में एक शांत वातावरण रहना चाहिए, कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए। हाँ। किसी तरीके की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। शुद्धता हमें पूरी तरीके से अपनानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी की बुराई करना, चुगली रखना, काम क्रोध लोभ मोह, ये कहा गया है, इन सबको हमें त्यागना चाहिए। कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप उन्हें अपनाकर नवरात्रि में बहुत अच्छे परिणाम पा सकते हैं। माता की आप सच्चे मन से भक्ति करें, और अगर आपको लगता है कि किसी भी रूप में आपके किसी रिश्ते में मधुरता नहीं है, तो आप माता को हनी का भोग लगाएं, शहद का भोग लगाएं। अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है और उसका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन एक ध्वजा लेके आए, लाल ध्वजा लेके आए, और उसे अपने मंदिर में रखें, और उसके बाद नवरात्रि पूरी होने के बाद दशहरे के दिन माता के मंदिर में उसे चढ़ा के आए। इसी तरीके से आप माता को लौंग का एक जोड़ा या लौंग के जोड़ों की आप माला बना सकते हैं, और वो माता को आपको अर्पित करनी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती, नेगेटिविटी रहती है, तो वो अपने ऊपर से नींबू को उतार कर नवरात्रि के 9 दिनों में उसको बाहर फेंक सकते हैं। इस तरीके से कई चीजें अपनाने से हमें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एक विशेष मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर किसी की कोई भी इच्छा है, उन्हें शादी नहीं हो रही या किसी एग्जाम में पास नहीं हो रहे, तो इस मंत्र का विधिवत एक माला रुद्राक्ष पे करने से उन्हें बहुत से लाभ होंगे। ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद कृष्य मोहाये महामाया प्रयच्छति। इसका अगर आप नियमित रूप से रुद्राक्ष पर 108 बार जाप करते हैं, तो आप मान के चले माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बड़ी अच्छी बात आपने बताई, जिनके जीवन में संकट चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे दर्शक इस वक्त हमें देख भी पा रहे होंगे जो किसी न किसी बात को लेकर परेशान हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस मंत्र को उन्होंने नोट कर लिया होगा, और जैसे ही नवरात्र के 9 दिन वो पूजा पाठ करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उनके कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अनुभव शर्मा जी, चूंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिजी होते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से कैसे वक्त निकालें वो मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग हैं जॉब पर जाते हैं, तो कुछ आसान सा तरीका माँ को खुश करने का। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज के समय पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो समय की ही आती है। हाँ। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी शिफ्ट में भी जॉब होती है, जैसे मान लीजिए पूरी रात उनकी शिफ्ट चल रही है, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, और जल्दी अगर क्योंकि पूरी रात शिफ्ट करेंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे, और फिर जोत नहीं ले पाएंगे, माता की पूजा नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा मंत्र बताने जा रहा हूं। अगर वो इस मंत्र का भी अगर जाप कर लेंगे, तो भी मान के चलिए कि उनको पूरी नवरात्रि में इसका जो है फायदा मिल जाएगा। मंत्र है, ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात। देखिए, यह माँ दुर्गा महाशक्ति का गायत्री मंत्र है, और इस मंत्र में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। तो इस मंत्र का जाप अगर वो पूरे नवरात्रों में 11 बार या 21 बार भी अगर प्रतिदिन नहाने के बाद ही कर लेंगे, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ में आपको कह सकता हूं कि इस मंत्र का जाप अगर वो इस नवरात्र में कर लेंगे, यह गायत्री मंत्र है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, यूनिवर्स मंत्र है ये गायत्री का, वो भी मां दुर्गा महाशक्ति का। तो मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जिनके पास समय का अभाव है और वो किसी वजह से जोत नहीं ले पा रहे हैं या पूरी घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, उनका टाइट स्केड्यूल है जॉब का, तो वो इस मंत्र को करें और उसके बाद में उसके लाभ देखें। और अगर उनको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर उनके पास में इस मंत्र को करने का भी अगर समय नहीं है, तो अगर वो नहाने के बाद में अगर प्रेम पूर्वक माता रानी के सामने खड़े होकर के प्रेम से एक बार जय माता दी भी अगर बोल लेंगे, तो भी निश्चित रूप से उनको पूर्ण नवरात्र का फल मिल जाएगा। बस दिल से माँ को याद करना है, भक्तों की हर मुराद इस नवरात्र पर पूरी होगी। और जैसा कि अनुभव शर्मा जी ने बताया है, अगर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, तो बस भगवान के सामने जय माँ दुर्गा बोल दीजिए, इतना ही काफी है। संजीता लेखी जी, शुभ मुहूर्त की बात लगातार हो रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुहूर्त बताए जा रहे हैं। क्या है सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त, और क्या शुभ मुहूर्त का असर अलग अलग राशियों पर भी पड़ने वाला है?
जी, जो हमारा जो शुभ मुहूर्त है वो हर जगह थोड़ा सा तिथि में जो है कुछ समय में ऊपर नीचे है जी। पर जो हमने देखा है कि 11:44 पे जो है और ये 12:30 तक का जो समय रहेगा वो सबसे ज्यादा शुभ है। इस समय जो है हमें कलश जो है वो स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी हम सब ने बताया कि आप स्वच्छता से, साफ सुथरे मन से नहा धो के, घर की सफाई करके आप जो है कलश का जो है स्थापना करते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है वो खास है कि जो कलश होता है उसके अंदर आप लाल रोली से जो है आप स्वास्तिक बनाएं, आप मौली से उसके ऊपर मौली बांधे, फिर आप उसमें जल डालें, जल भर के उसके अंदर जो है आपको 5 तत्व डालने हैं। हाँ। जो कि होता है घास होती है, साबुत चावल हमें डालने हैं, आप कुछ उसमें घी डाल सकते हैं, आप उसमें धूप डाल सकते हैं और थोड़ा गंध बोलते हैं जो कि जो होता है खुशबूदार कोई चीज़ डालते हैं। साथ ही साथ आप कोई सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं, अगर चांदी का सिक्का डाले तो भी फायदा होता है। तो इसके ऊपर जो है हमें 5 जो है अशोक के पत्ते रख के इसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। और जैसे हमारी अष्टमी या नवमी का व्रत रखते हैं या नवमी के दिन आप जो है पूजन करते हैं तो इसी नारियल का जो है प्रसाद आपको ग्रहण करना है और सभी में बांटना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम करते हैं उससे हमें बहुत फायदा होता है। जैसे हम जौ की बात करें तो इस दिन जो है जौ को हम बीजते हैं और जो आने वाला समय है वो हमें जौ बताता है। जैसे अगर आप जौ को बीजेंगे, अगर आपको उसमें हरियाली दिखती है कुछ ही दिनों में, हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, तो आने वाला जो समय है आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। पर कुछ ही कारण से अगर वो आपको अस्वस्थ लगे या उसमें पीले पत्ते आ रहे हैं, वो अच्छा नहीं उग रहा है, तो आने वाला समय थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खास तौर पे इस दिन करनी चाहिए। तो भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, कैसा आपका दिन रहने वाला है, इसे लेकर भी महिमा जी ने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। उम्मीद की करती हूँ कि जो दर्शक हमें देख पा रहे होंगे वो उपाय जरूर करेंगे। अनुभव शर्मा जी, कुछ खास संयोग भी बन रहा है क्या इस बार? कहा जा रहा है कुछ शुभ संयोग बन रहा है इस बार। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इस बार बुध आदित्य राजयोग शश योग ये बहुत अच्छा बन रहा है इस बार में, और ये जो पूरा का पूरा जो योग बन रहा है वो 30 वर्ष के बाद में बन रहा है। तो इस बार की जो ये नवरात्रि है ये बहुत ही खास नवरात्रि होने जा रही है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि इस बार जो माता रानी आ रही है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है और उनकी विदाई भी हाथी पर ही हो रही है, और इसका मतलब है समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक ये माना जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बार के जो नवरात्र हैं ये बहुत ही अत्यधिक प्रभावशाली होने वाले हैं। और हमारे जितने भी दर्शक अगर ये देख रहे हैं तो मैं उनको एक बार और बताना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीने दिख वैसी जी। क्योंकि सारा खेल जो है वो भावना का ही है, भावनात्मक रूप से ही आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है ईश्वर से जुड़ने का। तो जितना ज्यादा हो सके अपने टाइट शेड्यूल में से समय निकालिए, माता रानी के ये 9 दिन 9 पर्व की तरह मनाइए, सात्विक रूप से मनाइए, सात्विक आहार लीजिए, मन को सात्विक रखिए, शरीर को सात्विक रखिए, हर तरीके से सात्विक रहिए। यकीन मान के चलिए अगर आपने इस तरीके से अगर पूरे नवरात्रों को अगर मना लिया, माता को उसके दिन के हिसाब से अगर भोग लगा लिया और माता रानी की अगर आपने पूजा कर ली। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप नवरात्र कर रहे हैं, पूर्ण नवरात्र अगर आप कर रहे हैं, तो संध्या के बाद में, शाम के समय के बाद में आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। इन 9 दिन में किया गया सुंदरकांड का पाठ आप बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। ये मेरा खुद का किया गया प्रयोग है और मैंने खुद करके देखा है। और आपकी जो भी मंशा है उस मंशा को मांग करके आप सुंदरकांड का पाठ शुरू कीजिए। दिन छिपे के समय यानी संध्या के बाद में आप इसको शुरू कीजिए। आपको मुश्किल से 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप इसको 9 दिन पूर्ण कंटिन्यू रूप से कीजिए और सात्विक रह के कीजिए। आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और यकीन मानिए जो भी कार्य आपका रुका हुआ है, क्योंकि सुंदरकांड का तात्पर्य क्या है, सुंदरकांड का तात्पर्य यह है कि बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाता है, इसको हनुमान जी ने सुंदरकांड में बखूबी बताया है। तो आपके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत अपने करियर में आ रही है, अपने बिजनेस में आ रही है या किसी भी रूप में आपको आ रही है, तो उस मंशा को मांग करके आप सुंदरकांड का पाठ इन 9 दिनों में जरूर कीजिए, वो भी संध्या के बाद। अगर आप पाठ करते हैं तो वो भी बड़ा फलदायी होगा। तो इस नवरात्रि में आप शाम होते ही सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, ज्योतिषाचार्य का, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो तमाम सवाल लोगों के मन में थे कि नवरात्रि पर कैसे
माँ देवी को खुश किया जाए, क्योंकि ये दिन बड़ा ही खास होता है। माँ के भक्त चाहते हैं कि किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर लिया जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस खास शो के जरिए जो तमाम सवाल आपके मन में रहे होंगे, उन सभी के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।